अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपशगुन की बात कर रही? हम जानते भी हैं कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? बाबा हुकुम विधि, विधि हमें छोड़ के जा चुकी है। अरे चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सच तो यही है, विधि हमें छोड़ के जा चुकी है। अरे जब हमें पता चला कि विधि कहीं मिल नहीं रही, तो हमने गांव के अस्पताल में फोन किया और वहीं से हमें पता चला कि विधि कैंसर की जंग हार चुकी है। अरे हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो पाई वहां जाके उनकी लाश देखने की। क्या कह रहे हैं आप कुंवर साहब? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि विधि बहू? काश ये गलतफहमी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। विधि सचमुच चली गई। ना 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 विश्वास, ऐसा ना हो सके। विधि बहू हमारे को छोड़ के ना जा सके। अरे हमारी भी किस्मत देखो कैसी है, कितनी मुश्किल से भगवान ने हमें बेटी जैसी बहू दी थी और हमने उन्हें भी खो दिया। अपनी बेटी को खो दिया हमने। हमारी विधि बहू के बिना ये हवेली सुनी है, कोई मोल ना है इस धन दौलत का, इस ऐशो आराम का। हम घाट पे जा रहे हैं, विधि की आत्मा की शांति के लिए हम वहां जाके पूजा करेंगे। सुरेना, बाबा हुकुम, आप ही चलिए हमारे साथ, आप लोगों का मन भी हल्का हो जाएगा। हम भी चलेंगे आपके साथ। चलिए। फाइनली हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमारे रास्ते से हट गया, वो विधि मर गई। अरे हम इतने खुश हैं क्या बताएं। बस मनीषा, अब आप कैसे भी करके अबीर को मना लीजिए हमसे शादी करने के लिए, अब हमसे और इंतजार नहीं हो सकता, प्लीज मनीषा। यज्ञी जो कुंवर साहब बुझा कर गए ना, इसी को दोबारा चलाकर आपके और अबीर के अधूरे फेरों को यही पूरा करेंगे। आप इंतजार कीजिए, हम अबीर को ढूंढ कर लाएंगे। पता नहीं वो पागल लड़का उस विधि को ढूंढने के लिए कहां दर दर भटक रहा होगा। राम सिंह, फेरो जल्दी आओ। किसी भी हाल में हमें बन्ना साहब को आज के आज ढूंढ कर ले आना है। चलो। ऑल द बेस्ट मनीषा, भगवान करे आप जल्द से जल्द अबीर को ढूंढ के लेकर आए। बिल्कुल ले आएंगे। अरे निशांत का फोन। हाँ निशांत, कुछ पता चला? इसे कहते हैं किस्मत, बिना अपने हाथ मेले किए
विधि नाम की बीमारी को हमने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। इतिहास ने एक बार फिर दोबारा वो कहानी दोहराई है। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? हम तो घर में अकेले हैं। ये चूना अचानक से कैसे बंद हो गया? और वो चेहरा तो विधि का चेहरा था। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? विधि के बारे में इतना सोचने लगे हम कि मरने के बाद भी हमें नजर आ रही है। क्या हो रहा है हमारे साथ? और ये पंखा लगता है लूज कनेक्शन से खुद ब खुद चालू हो गया है। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब बकवास है। बंद कर देते हैं इसको। क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है इस विधि ने बहुत गहरा असर डाला है हम पे। कमरे में चलते हैं। ये विधि नाम की बीमारी को तो हमें अपनी जिंदगी से निकालना होगा। हमें बस अभी पे ध्यान देना है। उससे शादी करके हमें अपनी सारी काली शक्तियां वापस लेनी है। ये कालक तो हमारे चेहरे से जा ही नहीं रही है। ऐसे थोड़ी जाएंगे हम अबीर के सामने। टावल जरूर उस विधि का होगा। खांसते खांसते टावल में सन गया होगा। ये हमें चेहरे से निकालना है, कैसे करें? कौन हो तुम?
रही हो यहाँ पर? बदला लेने के लिए वापस तो नहीं आ गई? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, अमिता को फोन करके उन्हें वापस बुलाना होगा। वापस आ गई तू बनी सात थारा। मारो जन्म जन्म रोसा, हर मारो जन्म जन्म रोसा। ये तो विधि की आवाज है। हर मारो जन्म जन्म रोसा, हर मारो जन्म जन्म रोसा, हर मारो जन्म जन्म रोसा। ये क्या पूरी हवेली अंधेरे में और अमीर के कमरे में लाइट चली हुई है और आवाज भी वहीं से आ रही है? क्या करें हम? नहीं नहीं नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये वो क्या रहा है। नहीं, किसने चले?
क्या हो रहा है? एक पल नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकते। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे ये हवन कुंड में आग अपने आप कैसे लग गई? ये क्या हो रहा है? आओ बन्नी आओ, मारे को थारे इंतजार था। बिन्नी, तुम मर चुकी हो ना? नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता, ये हमारे मन का वहम है, ये नहीं हो सकता। सही कहा बन्नी, मारे शरीर में जान ना है, हम जिंदा रहकर थारे से ना मिल पाए, इसलिए अब आए आत्मा बनके सिर्फ थारे से मिलने, और मारी आत्मा तब तक थारा पीछा ना छोड़ेगी जब तक थारे से बदला ना ले ले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करती रहोगी और हम सुनते रहेंगे? ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानते ये सब बस। थारे मुंह से ना ये बातें अच्छी ना लगती बन्नी, चुप चुड़ैल हो सकती है, काला जादू हो सकता है, तो भूत प्रेत क्यों नहीं? बोलो बन्नी सा, थारे को अब यकीन आया? मम्मी सा, अमीर! दूरो अगर ये सच में विधि नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है तो शीशे में दिखाई नहीं देगी। अबीर, क्या हो गया बेटा? विधि, क्या हुआ विधि को? अबीर, विधि नहीं रही माँ को, वह छोड़ के चले गई। विधि को सचमुच कैंसर था माँ को, झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन हम
लेकिन हमने उसकी बात एक बार नहीं मानी। क्या? हे भगवान, हमारी बहू को कैंसर था। मेरी बहू सब कुछ कैंसर था। अपने आप को संभालिए अबीर, शांत हो जाइए बेटा, प्लीज संभालिए अपने आप को बेटा। हो सकता है कि ऊपर वाले की यही मर्जी हो, और भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है बेटा। संभालिए बेटा अपने आप को। आप लोग किस पेशेंट के लिए आए हैं? जी डॉक्टर साहब, हम जी वो विधि बंसल कैंसर पेशेंट, उन्हीं की डेड बॉडी लेने आए हैं। डेड बॉडी? लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। वो लड़की तो जिंदा है। हाँ, उसकी सांसें रुक गई थी, दिल की धड़कन भी रुक गई थी, हमें भी लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन पता नहीं अचानक उसकी तबीयत में कैसे सुधार हो गया। मर गई थी, ठीक होने लगी। क्या कह रही है? आप डॉक्टर भी हैं क्या? देखिए, हम एक डॉक्टर है और हम जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। आप क्या कह रही है? देखिए मैडम, हमें भी पता है मेडिकल साइंस में चमत्कार की कोई जगह नहीं होती, लेकिन जब वो लड़की यहाँ पे आई थी तब हमने उसके कुछ टेस्ट किए। विधि बंसल के कैंसर के सेल्स कम हो रहे हैं, विधि ठीक हो रही है। सचमुच विधि जिंदा है? जी हाँ, हमारी विधि जिंदा है। माँ, खूब सुना आपने? हाँ। विधि कहाँ है? कहाँ विधि, कहाँ है हमारी विधि? वो तो यही थी, पर जैसे ही उनको होश आ रहा था तब वो किसी हवेली में जाने की बात कर रही थी। हाँ, खूब सुना आपने, विधि ने कहा उसे हवेली जाना है। हाँ। विधि जिंदा है? विधि जिंदा है, विधि जिंदा है। हाँ बेटा,